नहाते टाइम पूरे शरीर और चेहरे को एकदम गोरा करने का जापानीज तरीका आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो हेलो गाइस, आई एम नैना, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट सिंधी। अगर आप अपनी स्किन को बनाना चाहते हैं फ्लॉलेस, टाइट, गोरा, बेहद खूबसूरत, तो आपको नहाते टाइम इसका इस्तेमाल करना ज़रूर चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा तरीका जिसको यूज़ करने से आपकी बॉडी के सारा कालापन निकल जाता है और इसको आप अपने बॉडी के अलावा अपने हाथों, पैरों, गर्दन और चेहरे पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी तो जानते हैं जापानीज स्किन रेमेडीज स्किन के लिए कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, क्योंकि ये लोग अपने स्किन को यूथफुल, टाइट और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इस तरह की ही रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं और जिस वजह से इनकी बॉडी पर कोई भी किसी भी तरह का निशान नहीं होता, इनके फेस बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और बहुत ज़्यादा वाइटन होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज मैं जो ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ आपसे, ये एक बॉडी वॉश है जिसको आप अपने हाथों, पैरों के अलावा अपने चेहरे को साफ करने, क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये कहना चाहूँगी, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही साथ यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप इस तरह की इफेक्टिव वीडियोस देखते रहेंगे। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए होगा वाइट राइस। वाइट राइस चाहे बालों के लिए हो या स्किन के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि राइस के अंदर स्टार्च और प्रोटीन हमारी स्किन के लिए बेहद इफेक्टिव होता है। ये स्किन को टाइट बनाता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है और स्किन को क्लीन करता है। तो किस तरह से इसे बनाना है, इसके लिए सबसे पहले एक कोई बर्तन ले लीजिए जिसमें आप चावलों को भिगो कर रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने हाफ कप चावलों को इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों, मैं इसको पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। वॉश करना ज़रूरी है क्योंकि चावलों के ऊपर कई बार पॉलिश भी की जाती हैं और कई बार धूल मिट्टी की वजह से भी ये हमारी स्किन को ऐसे नुकसान दे सकते हैं, इसलिए अच्छे से मल मल के इसको वॉश करें 1 से 2 बार। उसके बाद मैं इसको पानी के साथ भिगो कर रख दूँगी। अब जब तक ये भिगो कर मैं रख रही हूँ, तब तक आपको ये मेथड कर लेना है। इसके लिए आपको सोप चाहिए, कोई भी सोप आप ले सकते हैं। डव सोप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हमारी स्किन के लिए स्मूथली वर्क करता है। इसको आप एक ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने का मकसद यही है कि हम जो तरीका आप सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं वो पूरी अच्छी तरह से सॉफ्ट और स्मूथ बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, चावल अच्छी तरह से हमने भिगो कर रख दिए थे एंड एटलीस्ट 20 से 25 मिनट हो गए हैं, पानी का कलर चेंज हो चुका है। अब एक बर्तन में हम इस पानी को निकाल लेंगे। अब दोस्तों, ग्रेट किया गया सोप भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं अच्छे से पका लूंगी। अब इसको आप अच्छी तरह से पकाते जाइए और चम्मच को चलाते रहिए। यहाँ पर ये प्रोसेस करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन रेमेडी बहुत ही परफेक्टली बनेगी। अब इसको अच्छी तरह से हम चलाते जाएंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बेसन। दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पर कॉर्न फ्लोर हो तो आप कॉर्न फ्लोर या फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। बेसन भी हमारी त्वचा से दाग धब्बों को हटाता है, स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच गेहूं का आटा, क्योंकि ये स्किन को टाइटन अप करने में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें एक भी लम्स ना बने। और दोस्तों, लम्स ना बने इसके लिए आप इस तरह से बीटर मशीन को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटर मशीन है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको अच्छे से पकाने के बाद बीटर की मदद से इसको बीट कर दीजिए, एकदम स्मूथ क्रीम आपकी बन करके तैयार हो जाएगी। तो अब इसको अच्छी तरह से हम बनाते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसको बिल्कुल परफेक्टली स्मूथली कंसिस्टेंसी में ले आएंगे। अभी इसके अंदर बहुत सारा झाग बना हुआ है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कितना स्मूथली ये क्रीम हमारे पास तैयार हो गया है। अब इसको आप किसी कंटेनर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको फ्रिज के अंदर 5 से 6 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आप अपने फेस पर, जैसे आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आपको इसे यूज़ करना है। आप इसको अपनी फुल बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।